कानून के कम च दखल देने वाला कौन है तू? मजलूमा दा हमदर्द, जालमा दा कातल, ते ला कानूनियत दा दुश्मन। साडे नाल दुश्मनी पाण दे अंजाम नू जानना है? ओए तेरा कानून वत्त-वत्त किसे बेगुनाह ते कतल पा सकदा है, पर मेरा सोना रब हमेशा बेगुनाह नू माफ कर देंदा है। लगता है तू कानून तो वाकिफ नहीं। बड़ी चंगी तरह जानना वा तेरे कानून नू। चला रिश्वत दी जबान बड़ी छेती ते सच दी आवाज तेर नाल सुनता है। अपनी जबान नू लिहाज दी रस्सी पावे। ए थाना में किसे इलाके दा चौक नहीं, किथे तेरी रनबाजी चल जाएगी। मैं रनबाज नहीं, ना ही चूहे दी नाल खाना वा जिन तेरे कानून दा खौफ होवेगा। बकवास बंद कर, इस थाने तो दफा हो जा। पछाण मैनू, मैं वो मासूम हां जड़ा कदी तेरे को इंसाफ मंगण आया सा, पर अज मैं तेरे को इंसाफ नहीं आए। तेरे थाने चो अपने कायद की तस्वीर लाने नहीं आया वा, जिदी छां तले बह के तुसी ना इंसाफी दे सौदे करदे हो। रुक जाए बदमाशा, शायद तेनु इलम नहीं कि तू किड्डा वड्डा जुर्म करन लगा है। ए जुर्म नहीं इंसाफ है थानेदारा, मैं बाबा एक काम दिए तस्वीर और उस थाने चो ला लेनी है, जिथे जिथे इन्हां दे इंसाफ नाल ना इंसाफी आउंदी है। ओए डंग परेड शुरू करो। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बरसों संभाल के। बहुत बुरा किया, मैं तेरे दुपट्टे उन्हां दे गल दा फंदा बना देंगा, पर इहदे बदले च तैनू भी ते मैनू कुछ देना पएगा। पर मैं ते तेरे कोल इंसाफ मंगण आई सां। मैं कोई तेरे नाल ना इंसाफी ते नहीं कर रहा। अपने इंसाफ दी कीमत मंग रहा वा। छड्ड मैनू कमीने आ, मैं तैनू अपनी प्यास बुझाण दी फीस दे रहा वा। जिस बाबा एक कौम की तस्वीर वल मैं थोड़ी कंड बर्दाश्त नहीं करता, तू पैर सुट के साबित कर दिता है कि तू ना ही अपनी वर्दी दा है, ना ही इस कौम दा, ते ना ही अपने बाप दा। ए तेरा थाना नहीं जिथे तेरे हुक्म नाल बेगुनाह नूं हथकड़ियां लगदियां ने, ए तेरा घर है जिथे मुजरम तू ते मुनसिफ मैं। दीदा सिर कच्चन की बजाय ओदी इज्जत ते हक पाया, ते मेरा इंसाफ एवे होए
तेरे जैसा ते लुटेरी दी सुनो मौत ते एक कीता वीरा मेरी खातिर खून कर दिता ही इस पतख नु मारी जाना चाहिदा सी पैरा चला नमक भी मेरे मुल्क तक खांदा है ते चला भी ऐसे मुल्क दिया वरता है आ मेरे नाल ईदा चंद लोगों की खुशियां दा पैगाम लेके चलता है पर मेरे लिए दुखां दा ईद ते दिन भरा भरावां दे सीने नाल लग के ईद मुबारक देंदे ने मैं किहो जिहा बदनसीब हाँ कि मेरे सीने नूं लगण लई कोई नहीं तेरा मालका मेरे सारे विछले ने मैनूं मिला दे जिन्हां नूं लभदिआं लभदिआं मैं आप बदमाशी ते मेले च गुआच गिआ गुआच गिआ मेरे मालका बस ठीक है मीर जी वो ड्रेसिंग वाले कपड़े शाम को मिल जाएंगे ना क्यों नहीं मैडम जी जरूर मिलेंगे मिल जाएंगे ना चर 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 की खुशबू है जन्नतुल फिरदौस अतर दी खुशबू लगदा कुड़ी जुमा पढ़न जा रही सी किड्डी प्यारी खुशबू है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ इस गल दे तुसी जिम्मेदार हो पुलिस नु फोन करो जल्दी की है किनु फोन कर रहे हैं पुलिस नु हर वेले पुलिस तंग करदे रहंदे हो पुलिस नु आगे बड़े काम ने डाके पैरे ने सारे दिन पुलिस डाकू ने मगर क्यों है तुसी मैनु दसो मेरा पर्स कोई लेके चला गया बंदा ओ बंदा तो बंदा सी मैं तुहाडा पर्स वेख्या लाल रंग दा अद्धा ते अद्धा काले रंग दा ओ तुहाडा पर्स सी हां मेरा पर्स अल्लाह तुहाडा पर्स सी ठीक है फिक्र ना करो ओ तुसी पुलिस नु फोन ना करना ओ बंदा बड़ा खतरनाक है ओ इस इलाके का सबसे बड़ा जीप कतरा है मैं उन्हें फड़ के ले आना तो तुम्हारा पर्स लेके आवांगा भावे ताकतवर है कोई गल नहीं तुसी जाना ना मेरा इतने इंतजार करना भावे मैं दो साल के बाद आवांगा आवांगा जरूर ऐसे ही रहना ठीक है तुसी पुलिस से फोन ना करना ठीक है ठीक है ये बंदा तो मैनू मेंटल केस ही लगता सी तुसी इस बंदे नूं जानदे हो मैं उन्हें नहीं जानता ये बंदा भी मैनू फ्रॉड ही लगता है मैं पागल हूं तो इंतजार भी करनी ना रुक जाओ बेगम साहिबा तुसी कदी गरीब का इंतजार नहीं किया ते गरीब तुहाडे लिए कन्नी खा गया है ए लवो ए पर्स चेक करो एदे विच लिपस्टिका गिन लवो पैसे गिन लवो ते एदे विच अपने टिश्यू पेपर ते टूथपीका भी चेक कर लवो तू मेरे पर्स की खातिर इन्नी मार खाधी है ए लै तू अपनी मरम पट्टी करवा ली ए की कह रहे हो बेगम साहिबा ए कम मैं नेकी लई कीता है ते गरीब अपनी नेकी कदी नहीं बेचदा जे मैनू पता हुंदा कि तुसी कागज दे इना टुकड़िया दे नाल मेरी हमदर्दी मेरे खलूस मेरे किरदार मेरी शराफत दा मजाक उड़ाओगे ते खुदा दी कसम है मैं कदी भी तुहानू तुहाडा पर्स लिया के नहीं देंदा इंसानी हमदर्दी फुटपाथ ते फरोख्त होने वाला खिलौना नहीं जिन्हों कोई अमीरजादी अपनी दौलत नाल खरीद सके मेरी गल तो सुनो मैंने तुहाडी हर गल विचों गरूर दी खुशबू आउंदी है ते ए खुशबू मैं कदी नहीं लाई प्लीज मैनू गलत ना समझना अगर मेरे को कोई गलती हो गई है ते मैं तुहाडे कोलों माफी मंग लैनी हां मैं नहीं सी पता कि मेरी इस गल नाल तुहाडा दिल दुखेगा ठीक है मैं तुहानू माफ कीता वैसे भी हुसन वाले नू दो चार एक्सीडेंट करन दी खुली छुट्टी होंदी है
मैं तेरे नाल मिलके बड़ी खुशी हुई है। मैं हनी कहते हैं। हनी? ओ हनी, मैं पता है हनी शायद नू कहते हैं। जब मैं पैदा होया था तो मैं सब तो पहले जिड़ी चीज खुआई गई थी वो हनी सी। हनी माफ करना, मेरा मतलब सी कि जदों भी थोड़ा पर्स गुआच जाए, चोरी हो जाए, तुसी मैं आवाज देनी, मेरा नाम उमर है। लेकिन मेरा एक मसला हो गया जी। थोड़ा पर्स गुआचेगा तुसी मैं आवाज मार लोगे। मेरा दिल गुआच गया, मैं किनू आवाज मारनी है? वाह मेरा मालिका, हर किस्म के जुराइम का थाना बनाया पर दिल का थाना नहीं बनाया। जिथे बंदा वो चोरी होने की रपट लिखा ले। गुस्ताखी ते बदतमीजी ने साबित किया है कि तू वाकई बस्ता बेदा वो बदमाश है जिनू मेरे कानून दी फाइल ने अपने सीने च नफरत दा बुत बना के रखा है। तू झूठ बोलना साहब, तेरा कानून भी झूठ बोलता है। सुल्तान बदमाश नहीं, बागी है। इस माशरे दे खुद साख्ता वसूलां दा बागी ते बदमाश एक कोई दस्तूर दिया दो शाखा ने सुल्तान। झूठ कह रहे साहब, असि बदमाश ओनू कहने जब तेरे कानून की कुख तो जन्म लवे ते बागी बागी होंदा जरा शरफ ते मजलूमी की गोदी पल के जवान होंदा। तू लफ्जा नू जाके अपने मत्थे ते लगी हुई कालक नू नहीं तोड़ सकता। कानून दे ना मुहाफजत चेहरे ते लगे हुए ए जख्म तेरी दहशत जुल्म दा मुंह बोलता सबूत ने। चलो मैं तेरी इस गलती नू माफ करना वा। जे तेरी इस्तलाह च मासूमियत ते सच्चाई दे रस्ते ते चलन वाला एक बागी है ते कल तो तू मेरे थाने च हाजरी लवान आएगा। पर मेरी गल याद रखी, जे तू ना पहुंचा ते मैं समझागा कि तू एक बागी नहीं बल्कि एक बदमाश है। मैं तेरे कहते तेरे थाने चादरी लवान जरूर आवांगा साहब, पर तू भी मेरी गल याद रखी, जे तेरे इलाके किसी भी जुर्म नु पनाह मिली ते मैं तेरे समेत तेरे अमले नु भी लाई नाजर कर लांगा।